नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे बैंगन के पौधों के फूल क्यों झड़ जाते हैं, और अगर नहीं झड़ रहे हैं तो हमारे जो इसके फल बन रहे हैं वो साइज में छोटे क्यों रह जाते हैं, साइज इनकी बड़ी क्यों नहीं हो पाती है, तो क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग प्राप्त हो, हमारे फ्लावर्स झड़े ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स फल में तब्दील हों। तो जानने के लिए दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, और इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि बैंगन के पौधे के फूल जो होते हैं वो ड्रॉप क्यों हो जाते हैं, झड़ क्यों जाते हैं, गिर क्यों जाते हैं, वो फ्रूट्स में कन्वर्ट क्यों नहीं होते ज़्यादातर। तो इसके पीछे देखिए कुछ मेन रीजंस होते हैं, हम उन पे बात करेंगे। जो सबसे पहली चीज़ होती है कि किसी भी पौधे में जितने फ्लावर्स आते हैं वो सारे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ फ्लावर्स सिर्फ मेल फ्लावर्स होते हैं वो आते हैं और वो गिर जाते हैं, और कुछ पौधे की वो कैपेबिलिटी भी होती है, चूँकि हम पॉट्स में कर रहे हैं, बैंगन के पौधे लगा रहे हैं, तो उसकी जो है कैपेबिलिटी कितनी होगी वो उस पॉट की साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितने फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। तो इस वजह से फ्लावर्स ड्रॉप हो जाते हैं, और अगर नहीं ड्रॉप होते हैं तो फल का साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो दोस्तों पहला कारण तो ये होता है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे हमारे बैंगन के पौधे हैं तो कई वैरायटी में बैंगन के पौधे आते हैं, गुच्छों में भी कुछ बैंगन के फूल आते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ चार पांच वैरायटी के अभी पौधे हैं और लगभग सब में कुछ फ्रूट्स आ भी रहे हैं। ये देखिए, ये वाइट बैंगन है लंबा वाला, तो इनके फ्लावर्स देखिए पर्पल कलर के हैं, और जो पर्पल कलर का बैंगन है मेरा, लॉन्ग बैंगन पर्पल कलर का, ये देखिए आप, ये बैंगन मेरा पर्पल कलर वाला है, इनके फ्लावर्स वाइट आ रहे हैं। तो ये गुच्छों में नहीं, ये सिंगल सिंगल फ्लावर्स हैं, फ्रूट आते हैं। तो इनमें जैसे अगर चार फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं इधर, तो एक दो ड्रॉप हो जाएंगे, एक में ही फ्रूट बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। दूसरा मैं आपको दिखाऊं, कुछ फ्लावर्स आते हैं जो गुच्छों में आते हैं, जैसे ये देखिए, ये बैंगन है मेरा छोटा वाला, ये गुच्छों में लगे हुए हैं फल, इसमें आप देख पा रहे होंगे करीब पाँच छः फ्रूट्स एक साथ गुच्छों में लग रहे हैं। तो इसमें फ्लावर्स ड्रॉप कम होते हैं पर इनकी साइज काफ़ी छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी साइज इनकी नहीं होती है। तो दोस्तों पहला रीज़न तो ये होता है, वो पौधों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पौधा किस प्रकार का फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनके फ्लावर्स आते हैं और वो कुछ फ्लावर्स फ्रूट में तब्दील होते हैं, बाकी ड्रॉप हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि जब हम अपने गार्डन में गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो हम पानी वाटरिंग का जो है मिस्टेक जो हम करते हैं उसकी वजह से भी फ्लावर ड्रॉप होते हैं, हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स ड्रॉप हो जाते हैं हमारे। जैसे कि पौधों को नीड नहीं है और हम एक्स्ट्रा वाटर दे रहे हैं तो उसकी वजह से फ्लावर ड्रॉप होते हैं। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि वाटरिंग अपने गार्डन में तभी कीजिए जब आपकी मिट्टी ऊपर की 1 से 1.5 इंच की सतह ड्राई हो जाए, खास करके अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है, विंटर सीज़न, तो विंटर सीज़न में वैसे भी नमी जल्दी ख़त्म नहीं होती है मिट्टी की, तो वाटरिंग कम करें। और जब फ्लावरिंग की स्टेज पे हो आपका पौधा, कोई भी पौधा, ये गोल्डन रूल है गार्डनिंग का कि जब भी कोई आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे हो या फ्रूटिंग स्टेज पे हो तो उसमें पानी बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होती है। मतलब ऐसा ना कर दें आपकी आपके पौधे से नमी ही ख़त्म हो जाए, मिट्टी से नमी हो, पर जब वो पूरी तरह से नमी आपकी जा रही हो, रूट्स ड्राई ना हो पाए, तभी आप वाटरिंग करें। जब रूट ड्राई हो जाएंगे तब नुकसान होगा, और अगर आप फ्लावरिंग स्टेज पे नहीं है तो थोड़ी बहुत पानी की अगर एक्सेस भी हो जाती है तो पौधा झेल लेता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, धूप, अगर आपके पौधे को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल पा रही है तब भी आपका पौधा फ्लावर ड्रॉप कर देता है, क्योंकि जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो धूप से वो लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वो उनको नहीं मिल पाता है, और इसकी ये भी एक रीज़न होता है फ्लावर्स ड्रॉप होने के। तो आप अपने पॉट्स का पोजीशन इस प्रकार से डिसाइड कीजिए, रखिए कि उसको दिन भर में करीब 4 से 5 घंटे 6 घंटे की धूप जरूर मिले।
उसके बाद दोस्तों कंपोस्टिंग की बात होती है, जब हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अगर हमारे मिट्टी में पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं, पौधों को उनके हिसाब से ज़रूरी भोजन नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है फ्लावर्स ड्रॉप होने के। तो कंपोस्ट हमें एक टाइम इंटरवल पे अपने गमलों में देते रहना चाहिए, और गमले की साइज़ भी डिपेंड करती है कि किस साइज़ में आपने पौधे लगा रखे हैं। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, कुछ दिन पहले मेरी वीडियो आई थी, मैंने उसमें आपको बैंगन के साइज़ भी दिखाए थे, अभी तो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। ये जो मेरे बैंगन लगे हैं पौधे, ये 15x15 के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, और इनमें जो फ्रूट साइज़ मुझे मिलती है वो 12x12 के जो ग्रो बैग में लगे हुए हैं बैंगन के पौधे, सेम पौधे हैं, एक ही पौधे दोनों में लगे हुए हैं, मैं उसमें भी दिखाता हूँ। उसकी ग्रोथ में और उन 15x15 की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो फूल तो दो फ्लावर तो दोनों में आ रहे हैं, फ्रूट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, पर जो फ्रूट की साइज़ है वो बड़े ग्रो बैग में ज़्यादा बड़ी मिल रही है और छोटे वाले में थोड़ी कम रह जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी पौधे किस साइज़ के ग्रो बैग में लगे हुए हैं, कितनी मिट्टी उनको रूट्स को मिल रही है। फिर दोस्तों जो लास्ट है पॉलिनेशन, चूँकि छत पे जब हम गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पॉलिनेशन बहुत रेयर हो पाता है, तो इसके लिए पॉलिनेशन ना हो पाने की वजह से भी हमारे फ्लावर जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आप, चूँकि बैंगन के पौधे में हमें ये जान पाना मेल और फीमेल फ्लावर्स बहुत ही मुश्किल है, नहीं जान पाते हैं हम, चूँकि फ्लावरिंग के बाद के स्टेज में फ्रूट्स बनते हैं। तो आपको पॉलिनेशन के लिए चाहिए कि आप अपने गार्डन में टेरेस पे ज़्यादा से ज़्यादा फूलों को लगाएं, फूल फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल होंगे तो फिर कीट पतंगे आएंगे जो आपके पॉलिनेशन को बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमारे बैंगन के पौधे के फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं, फ्रूट में तब्दील नहीं हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अपने फ्लावर्स को ड्रॉप होने से बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।